नमस्कार, अभी मैं हूँ लखनऊ में हूँ। लखनऊ में आज भारतीय कुरियर समाज की बैठक थी। बात करते हैं भारतीय कुरियर समाज के कार्यवाहक अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष माननीय सुभाष चंद्र नेहरू जी से। ये जो आज बैठक का आयोजन आपने किया है, क्या उद्देश्य था इसका? ये इतने युवा आपके साथ हैं सभी लोग, जो आप पे किस उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया आपका? आप सभी को धन्यवाद। मित्रों, प्रतिवर्ष हम जो है लगभग 20 साल से वीरांगना झलकारी बाई का जन्मोत्सव जो मनाते आ रहे हैं, और लखनऊ महानगर में हमारा पार्क है वीरांगना झलकारी बाई के नाम से, और उसमें हमेशा प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता है। उसको अब की बार भव्यता के रूप से उसका टारगेट रखा है कि 5000 की संख्या हमें वहाँ इकट्ठा करना है, और उसमें युवा नंबर वन पर संख्या होगी, उसमें महिलाओं की संख्या होगी एक अच्छी तादाद में, क्योंकि हम लोग जो संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो समाज को ये देना चाहते हैं कि अब हमारा युवा भी तैयार हो गया है। इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर लोगों ने आज सहयोग किया है। आज हमारे पास में इसी बैठक में ये पहली बार ऐसा है कि लगभग जो है हमारे पास में 22000 नगद लोग सहयोग करके गए हैं। हमारे तमाम जिले से, मंडल से लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम 10000 और 20000 का कलेक्शन करेंगे। ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है, ये हमारे संगठन की ताकत बनी है। कुछ लोग हमारे कार्यक्रम को हमेशा फेल करने का षड्यंत्र करते हैं, इस बार भी करेंगे ऐसा मुझे कुछ मिला है खबर, लेकिन मुझे उससे कोई विचलित नहीं हूँ, क्योंकि हमारा पूरा प्रदेश में लगभग सभी जिलों में हमारी इकाइयाँ हैं, और आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि वीरांगना झलकारी बाई के नाम से जो उस पार्क पर जो है के पास में मेट्रो स्टेशन बना है, हम उत्तर प्रदेश सरकार से और राज्य केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि उसका नाम झलकारी बाई पार्क रखा जाए, मेट्रो स्टेशन का नाम झलकारी बाई पार्क रखा जाए। और जो साथी हमारे संगठन से विद्रोह करके गए हैं, उनके अंदर जो पिछली मीटिंग में उनको भंग करके और उन पर जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए पत्र जारी किए गए थे, दो पत्र जारी किए जा चुके हैं, और उनकी त्रुटियां थी उनको लिखित में आग्रह किया गया था संस्था के माध्यम से कि आप लिखित में आकर के उस त्रुटियों को ठीक करें, अन्यथा जो है संस्था नियमानुसार जो है आगे की कार्रवाई करेगी। हम सभी लोगों से, प्रदेशवासियों से, कुरी समाज के लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि वो इस कार्यक्रम को एक रैली के रूप में प्रस्तुत करें, अपना दिखा दें कि अब हमारा कुरी समाज जाग चुका है और अपने हक हकूक के लिए आगे आ चुका है और संघर्ष करेगा। आज हमने जो पिछले मीटिंग में जो ये बात आई थी कि हमारे प्रदेश इकाई के लोग आदेशों की अवहेलना कर रहे थे और कुर्सियाँ खरीदने के हमारे तमाम जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों ने आग्रह किया था, आज उसको खरीद ले गई हैं, आपके सामने ये उपस्थित हैं। ऐसे और काम हमें हैं, वो हम समयबद्ध तरीके से कर लेंगे, और पूरे प्रदेश के युवाओं की टीम जो है हम 25 नवंबर को विस्तार पूर्वक जो है बीकेएस इंडिया यूथ विंग का विस्तार करेंगे, और उसी दिन प्रदेश इकाई, नई प्रदेश इकाई का जो है भी गठन होगा, उसका भी काम चल रहा है। धन्यवाद। संगठन में यूथ है, यूथ विंग है, हर संगठन बना के रखा हुआ है। आपका यूथ विंग किस तरीके से काम करेगा, मतलब क्या डिफरेंस रहेगा अन्य संगठनों की अपेक्षा उसमें? हमारे समाज के लोग, कोरी समाज का यह अपना स्वभाव है कि वो अपने पूरे देश को अपना परिवार मानता है। ये युवा विंग पूरे जो हमारा भारतीय है, चाहे वो एससी बीसी हो, सबके लिए हम संघर्ष करेंगे। हम इसमें आह्वान किए, हमारे संस्था के उद्देश्य में, उद्देश्य नंबर 5 में दिया हुआ है, आप कोई भी हो वेबसाइट जो हमारा bksindia.org है उसमें वो पढ़ सकते हैं, केवल ये काल्पनिक नहीं है, हमारे उद्देश्य में शुरू से लिखा है कि अनुसूचित जात के और बैकवर्ड के और माइनॉरिटी के लोग हम साथ में रहेंगे और उनके यथासंभव हम उनको योगदान करेंगे। बीकेएस के प्रभारी हैं जी, प्रदेश प्रभारी हैं, प्रदेश संयोजक, क्या है संयोजक है, क्या उद्देश्य है आपके संगठन का, किस तरीके से युवाओं को जोड़ेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा मारामारी है युवाओं के ऊपर, तो आप ऐसा क्या कुछ करेंगे कि आपके साथ युवा क्यों बना जाए? कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उसी क्रम में हमारा
जो संगठन है भारतीय कोरी समाज, भारत सरकार, भारत का एक संगठन बनाया गया है BKS यूथ विंग। इसमें हमें भूमिका दी गई है, संयोजक के प्रदेश संयोजक के पद पे जिम्मेदारी दी गई है। उसमें हमारे जो युवा पीढ़ी के युवक हैं या नौजवान साथी हैं, उनका मैं आह्वान करूंगा, उन्हें जो नौकरी में हैं या तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, सबको एक उनके उद्देश्य के हिसाब से, वो बिजनेस में जाना चाहते हैं बिजनेस में, नौकरी में जाना चाहते हैं नौकरी में, संगठन के माध्यम से, जो हमारा संगठन है उसके माध्यम से हर तरह से उनका सहयोग करके, उनके लिए समर्पित होके, और जो संगठन समाज के लिए हमारा कार्य कर रहा है उस संगठन को और मजबूती देंगे। संगठन तभी मजबूत होगा जब हमारा समाज मजबूत होगा, और हमारा समाज जब मजबूत होगा जब हमारी युवा मजबूत होगी। युवा पीढ़ी ही हमारी भविष्य है, इसलिए इस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और इसमें हम सभी अपने प्रदेश के, भारत के सभी युवाओं को का आह्वान करेंगे। उसमें जात विशेष का कोई महत्व नहीं रहेगा, सभी जाति वर्ग के लोग का सम्मान होगा और योग्यता के हिसाब से पद और प्रतिष्ठा दी जाएगी, सम्मान दिया जाएगा। जो हमारा कार्यक्रम झलकारी भाई का 25 नवंबर को होने जा रहा है, हम सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं, और आने वाले जो भी लोग हैं वो हमारे यहाँ सही ढंग से आएंगे, उनके लिए पूरी व्यवस्था हम लोग खाने पीने की रखेंगे। और जो ये कोरी समाज बहुत सीधी सादी कौम है, हर एक का सम्मान करती है, हर धार्मिक विचारधाराओं पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, कभी हम लोग किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, सीधी सादी कौम है। जो भी हमसे आता अपनी बातें में, उसकी बात पहले सुनने की कोशिश करते हैं और उसको ज़्यादा आदर सम्मान देते हैं। इसलिए मैं सभी भाइयों से यही कहूँगा कि जो भी हमारे इस कार्यक्रम में आएंगे उनको पूरा सम्मान मिलेगा, और आए हुए हर आमंत्रित को इज्जत सम्मान से आदर सम्मान दिया जाएगा। मित्रों, अभी भारतीय कुरी समाज के माध्यम से इस सरकार में भी कई घटनाएं हुई हैं, और उसके निराकरण के लिए संस्था ने कम से कम 3 धरना बड़े स्तर पर किया है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कई जिलों में किया है। साथ ही जो घटनाएं हुई हैं उनके दुख तकलीफ को दूर करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, चाहे प्रतापगढ़ की जो घटना हो, चाहे आगरा की हो या अलीगढ़ की हो, या हमारे अमेठी सुल्तानपुर की हो या गोंडा की हो, या कहीं की हो, जहाँ भी हम लोगों को मिलता है जानकारी वहाँ पर उन तक पहुँचने का काम करते हैं, और यदि कहीं दैवीय घटना होती है उस पर भी हम लोग हर स्तर पर उनको सहयोग करते हैं, चाहे वस्त्र का हो चाहे अनाज का हो। जो हमारे छात्र हैं, युवा हैं, इनको हम चाहते हैं कि एक विशेष तौर से प्रशिक्षण दे करके इनके अंदर वो जज्बा पैदा करेंगे, 2020 तक हम इनको भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में और भारतीय पुलिस सेवा में इनका योगदान दिखाई पड़ना चाहिए। आज हमारे पास में एक भी IAS उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये हमें कचोटती है दिन रात, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। साथ ही इसी लखनऊ में मेरी तलाश है कि कम से कम 5000 स्क्वायर फीट में हम छात्रावास, उसमें ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, शिक्षण के संबंध में उसकी पूरी हमारी तैयारी है। जैसे तैयारी हमारी पूरी होती है वो हम जनता को, अपने समाज को बताने का काम करेंगे, लेकिन हमारा इंटरनली काम पहले से चल रहा है। और मैं कबीर न्यूज़ के साथियों से भी ये आग्रह चाहता हूँ कि अभी हमारी कबीरवाणी न्यूज़ बंद हो गया था, साप्ताहिक पत्र है, उसका जिम्मेदारी वो लेने को तैयार है। मैं उनको समर्पित करना चाहता हूँ कि उनके पास जब उसी समय में है तो उसको बड़े पैमाने पर प्रिंट मीडिया में भी हम आगे आएँ। धन्यवाद। हम लोग सहारनपुर से आए हैं, भारतीय कोरी समाज, भारत के श्री सुभाष चंद्र लहरी कार्यकारी अध्यक्ष के आह्वान पर आज बैठक की गई है। इसमें वीरांगना झलकारी भाई का 25 नवंबर को जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी, और इस संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगे। दूर दूर से सभी जिलों से कोरी समाज के व्यक्तियों को सम्मान सहित बुलाया जाएगा, और जो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, इसकी हम वीरांगना झलकारी बाई के नाम से सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से मांग करते हैं कि इसका नाम मेट्रो स्टेशन झलकारी बाई मेट्रो स्टेशन के नाम से रखा जाए।